पहले भी घूमते थे, मैं 96 में ही घूमता था, जब गोले जा रहे थे, जब मेरे घर पे भी वॉर किए गए, बम फेंके गए, मैं रुका नहीं, चलता गया और कभी डरा नहीं। क्या वो भूल गए? क्योंकि उसके बाद तो उनके कोई आदमी था ही नहीं, उनका झंडा भी नहीं था, कोई नहीं था। बाकी जब लाल फौज से झंडा चढ़ा रहे आए तो सारी फौज लेके आए थे, वो दिन भी था। क्या कहते हैं, हमारे बच्चे छोटे से छोटे जेलों में बंद हैं और वजीर आजम ने हमसे वादा किया था काम के एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में इनको देखा जाएगा, जिसमें कसूर नहीं, इनको छोड़ा जाएगा। गवर्नर साहब वहाँ बैठे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए थे, उनसे कहा ये करना है, क्या आज तक किसी को छोड़ा? वो कमेटी बैठी, उस कमेटी ने किसका देखा? ये सिर्फ बहाना है, कहने की बातें हैं, लोगों के दिलों में जो हालत है इस वक्त वो अल्लाह ही जानता है। सर, पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कश्मीर में इंप्लीमेंट कर दिया आफ्टर आर्टिकल। क्या मतलब है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं थे जब 370 था? नहीं थे? अगर हमने पाकिस्तान जाना होता हम 47 में गए होते, यानी हमें रोक सकती थी, मगर हमने महात्मा गांधी का हिंदुस्तान पसंद किया, मोदी का हिंदुस्तान नहीं। उसमें बराबरी थी सबकी, आज ये बराबरी खत्म कर रहा है या नहीं है? हर गली में आप सिपाही देखेंगे बड़ी से बड़ी बंदूक लेके, पुलिस की गाड़ियां देखेंगे बड़ी बड़ी जो बाहर चलाई गई हैं, हैं? भाई कहते हैं अमन है, इन गाड़ियों को हटाओ ना, इन फौजियों को हटाओ, फिर देखना। ये जलसा नहीं कर सकी बाहर, इतना इनका दबाव है, हमें छोटे छोटे कमरों में बैठ के बात करनी होती है। आज़ादी है? कौन सी आज़ादी है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई असर नहीं पड़ा। आपने लोगों का जज्बा और वलवला देखा है, वो जानते हैं आप किस लिए लड़ रहे हैं। हम भारत के आईन को बचाने की बात कर रहे हैं, जो अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाने की बात कर रहे हैं, कि हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध है, जो भी है, वो इज्जत से रहना चाहता है, इज्जत से चलना चाहता है, इज्जत से अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाना चाहता है। जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है और जिस तरह इनका मौकफ है कि आयन को बदलाना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो हिंदुस्तान का गठबंधन बना है वो इसके लिए उनको इजाज़त नहीं देगा। हम उसी के लड़ रहे हैं, हमारी मेजर लड़ाई ये है। शायद इसलिए आपने जम्मू में बात की थी कि खुद फारूक अब्दुल्ला अनसेफ है। मैं आपसे कहता हूँ ना, क्यों अनसेफ? कोई भी आपको पकड़ सकता है, आपने खुद देखा, दाढ़ी काट रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, मार डालते हैं। फारूक अब्दुल्ला कैसे सेफ? मैं भी तो मुसलमान हूँ, कब इनकी अक्ल में आया कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? कब इनकी अकल में आएगा जिनको इन्होंने फूक भरी है नफरत की? हिंदुस्तान को बचाने के लिए कौन था यहां जब आतंकवाद आसमान पे था? 96 में इलेक्शन किसने किया यहां पे? नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली जमात थी जो उठी और कहा मर जाएंगे मगर हम इस रियासतों को बचाने की कोशिश करेंगे। हमने कुर्बानियां दी, हजारों हमारे वर्कर, गरीब से गरीब भी, हमारे एमएलए, मिनिस्टर मारे गए मगर हमने रुख नहीं मोड़ा। लेकिन आज झारखंड में जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान किया जम्मू कश्मीर पे कि जब यहाँ हालात खराब थे, ब्लास्ट्स हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने लव लेटर पाकिस्तान को भेजा था, उसके इवज में वहाँ से टेररिज्म और बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने यहाँ पर रोल निभाया है, वोट पड़ने के बाद आर्टिकल भी खत्म, राम मंदिर भी वजूद में लाया। मैं वजीर आजम से एक बात कहना चाहता हूँ बड़े अदब से। पहले वो ये बताएं क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री है?
वो ये फैसला करे। जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है वो मेरा प्रधानमंत्री है या नहीं है, मैं तो उसको अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ, हमने वोट दिया हो या नहीं है, मगर वह हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो जब वहाँ बात करता है वो हर भारत के इंसान के लिए बात करता है, मगर जो नफरत उसने फैलाई आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। भारत तरक्की नहीं करेगा जब तक अमन अंदर नहीं होगा, जब तक हम सब प्यार से नहीं रहेंगे, जब तक हम सब एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। क्या इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ इलेक्शन के लिए हैं? ये मैं नहीं जानता हूँ, जो ये नफरत पैदा कर रहे हैं वो ऐसी डीप जा रही है कि अल्लाह जाने ये ख़त्म होगा या नहीं। दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ और हर भारतीय से कहना चाहता हूँ, पिस जम्मू कश्मीर का इंसान हो रहा है, पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे कमेंट करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद, मैं आपको लिख के देता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, ये बंद नहीं होगा। फिर तो हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे, क्या मिलेगा? चार जंगें हुई, चार जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है, मर हम रहे हैं। अभी 40 हमारे CRPF के जवान शहीद हुए और खुद गवर्नर उस वक्त का ये कहता है कि ये हमारी गलती थी। वो गाड़ी 3 हफ्ते यहाँ घूमी और हम नहीं उसको रोक सके, जब तक कि वो 40 जो है शहीद हो गए। क्या कितने और शहीद होने हैं हमारे और उनके घर बर्बाद होने हैं कि हम लोग उस बात पे आ जाएं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती में रहे। And we can say such type of statement is just to create the communal crisis in country. It is unfortunately his statements and the statements of the Home Minister are creating tensions between communities, and that is going to affect India greatly. आपको बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं होगी, आपके मुल्क में दुश्मन होंगे, और अगर अंदर पीस नहीं होगा आप कैसे चीन से मुकाबला कर सकेंगे, कैसे? इसे मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट्स छोड़ दीजिए, ऐसी बातें छोड़ दीजिए कि मंगलसूत्र जो है वो लिया जाएगा और उसको फिर मुसलमानों में दिया जाएगा उसका सोना, या ये स्टेटमेंट कि अगर 2 घर हैं तो 1 घर आपसे लिया जाएगा, वो मुसलमानों को दिया जाएगा। इस्लाम की बात मैं इनको सुनाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए वो इनके साथ नहीं थे, तो सहाबियों ने शोर उठाया, ये मुफ्ती मोदी साहब को सुनना चाहिए, जब शोर उठाया तो अल्लाह का वही आया कि ऐ नबी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताओ कि इनका मजहब और इनका खुदा जो ये मानते हैं हमें कबूल है, क्योंकि अगर तुम इनके खुदा को कुछ कहोगे तो ये तुम्हारे खुदा को कहेंगे, क्या तुम बर्दाश्त कर सको या नहीं कर सको, ये आयत है हमारी लिए। तो क्या मुसलमान किसी का मंगलसूत्र खाएगा, क्या किसी का मकान ले लेगा? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये कहता हूँ, 14 में तो आप कहते थे ना कि गैस की कीमत क्या है, उस वक्त 400 था, आज 1100 है। आप कहते थे ना डीजल की क्या अहमियत है, आज डीजल 100 से ऊपर चढ़ा गया है। उसके बाद आप कहते थे ना खाने के तेल की कीमत है।